लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई की एपीएमसी मंडियों की समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल गया है। आज बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने सिडको एमडी संजय मुखर्जी के साथ बैठक की, जिसमें एपीएमसी मार्केट के पुनर्निर्माण, एक्स्ट्रा एफएसआई, कन्विंस डीड और एपीएमसी को लागू होने वाले सिडको के नियम शर्तों समेत विविध समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। इस दौरान संचालक शंकर पिंगले, शरद मारू, कैलाश ताज ने, नीलेश वीरा, चंद्रकांत भोले समेत तमाम व्यापारी प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बीजेपी विधायक ने कहा कि मंडियों में वर्षों से समस्याएं लंबित पड़ी हैं, जिनका समाधान होना जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि सिडको एमडी संजय मुखर्जी इस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। देखिए रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एशिया की सबसे बड़ी एपीएमसी मंडियों के कायाकल्प की जल्द शुरुआत हो सकेगी। आज बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने सिडको एमडी डॉक्टर संजय मुखर्जी के साथ बैठक के बाद इसका संकेत दिया। मंडियों के व्यापारी संगठनों और संचालकों के साथ सिडको मुख्यालय में हुई बैठक में बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने एपीएमसी मार्केट के पुनर्निर्माण, एक्स्ट्रा एफएसआई, कन्विंस डीड और एपीएमसी पर लागू होने वाले सिडको के विविध नियमों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। इस अवसर पर एपीएमसी संचालक शंकर पिंगले, व्यापारी नेता शरद मारू, कैलाश ताज ने, नीलेश वीरा और चंद्रकांत ढोले समेत कई व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद थे। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने कहा कि मंडियों की समस्याएं कई सालों से लंबित पड़ी हैं, जिनका अब समाधान होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिडको एमडी ने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है और उम्मीद है इस पर सकारात्मक कार्यवाही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।